दोस्तों आमतौर पर एक डॉक्टर का काम होता है लोगों की सेवा करना, उन्हें मौत के मुंह से बाहर निकालना। लेकिन महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक ऐसा डॉक्टर था जिसे लोग डॉक्टर डेथ के नाम से जानते थे। वो डॉक्टर महिलाओं को जिंदा ही कब्र में गाड़ देता था। उसका खुलासा ना हो इसलिए वो उनकी कब्र पर नारियल का पेड़ लगा देता था। तो आज की कहानी उसी डॉक्टर डेथ के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक और दैनिक जागरण INS की फॉरेंसिक फाइल्स में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के सतारा जिले से। वहाँ एक डॉक्टर साहब थे, उनका नाम था डॉक्टर संतोष पाल। एक क्लिनिक चलाते थे, साथ में काफी सारा स्टाफ था, बट उनकी एक खास असिस्टेंट थी जिसका नाम था ज्योति मात्रे। डॉक्टर साहब सुबह से लेकर शाम तक तमाम पेशेंट्स देखते थे जिनमें बच्चे बूढ़े और महिलाएं भी आती थी। जून 2016 का मामला है। वहां पर क्लिनिक में एक महिला जिसको पेट दर्द की समस्या से परेशान थी, जिसका नाम था मंगला जेदे, वो डॉक्टर साहब के यहाँ अपॉइंटमेंट बुक कराती है। डॉक्टर साहब उसको प्रिस्क्रिप्शंस लिखते हैं, लेकिन जब क्लिनिक से बाहर जाती है तो वो घर नहीं पहुँच पाती। घर नहीं पहुँचती तो उसके फैमिली मेम्बर्स काफ़ी परेशान होते हैं, वो पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराते हैं। पुलिस जब उस महिला की, यानी जिसका नाम था मंगला जेदे, उसकी मोबाइल लोकेशन ट्रेस करती है तो पता लगता है कि वो मोबाइल दरअसल डॉक्टर साहब यानी कि संतोष पाल जी की असिस्टेंट के हाथ में था, जिसका नाम था ज्योति। ज्योति को जब पुलिस ट्रेस करती है, उसको थाने लाती है, तो ज्योति ने जो खुलासा किया वहां सुनकर सभी लोग दंग रह गए। ज्योति ने पुलिस को बताया कि डॉक्टर संतोष पाल ने मंगला जेदे की हत्या कर दी और अपने फार्म हाउस में ले जा करके उनकी डेड बॉडी को वहां गाड़ दिया। पुलिस को सहसा यकीन नहीं होता है कि कोई डॉक्टर भला ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन बार बार जब पूछताछ होती है और डॉक्टर साहब की लोकेशन भी ट्रेस करी जाती है और जब वो अपने घर में नहीं मिलते हैं तो पुलिस का शक गहरा जाता है। पुलिस की टीम इनकी नर्स ज्योति को लेकर के डॉक्टर साहब के फार्म हाउस में जाती है। वहाँ जाने के बाद में ज्योति बताती है कि जितने भी डॉक्टर साहब जो भी मर्डर करते थे वो यहीं पर ला करके अपने फार्म हाउस में उसको गाड़ देते थे। और दोस्तों सनसनीखेज बात यहाँ पर यह थी कि किसी को शक ना हो इसलिए डॉक्टर साहब उस कब्र पर नारियल का पेड़ भी लगा दिया करते थे। पुलिस को पहली बार तो उस फार्म हाउस में जाकर के यकीन ही नहीं हुआ कि दरअसल ये फार्म हाउस नहीं है, कब्रगाह है। लेकिन जब वहां पर JCP मंगवाई गई, नारियल के पेड़ हटाए गए, कि वहां पर एक दो नहीं बल्कि 6-6 कंकाल मिले। नेशनल मीडिया की सुर्खियां बने इस केस ने पुलिस पर इतना ज्यादा दबाव बनाया कि पुलिस को रातों रात एक SIT गठित करनी पड़ी और उस टीम ने डॉक्टर संतोष पाल को मुंबई के दादर से गिरफ्तार कर लिया। जब डॉक्टर संतोष पाल को वापस पुलिस थाने लाया गया सतारा जिले के, वहां पर डॉक्टर ने जो खुलासे किए उसे सुनकर सभी दंग रह गए। डॉक्टर संतोष ने बताया कि वो इलाज के बहाने महिलाओं को अपने फार्म हाउस बुलाता था, यानी कि क्लिनिक में जो प्रिस्क्रिप्शन देता था वो तो एक अलग चीज थी, लेकिन वो ऐसी अकेली बेसहारा महिलाओं को टारगेट करता था जिनका कोई नहीं होता था। ऐसी ही महिलाओं का नाम जब पुलिस ने लिस्ट में देखना शुरू किया तो ये वही मिसिंग कंप्लेंट्स थी जो कि 2003 से 2006 के बीच में दर्ज की गई थी। पुलिस ने की इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ी, एक एक करके खुलासे होते गए, तो हर कोई वहां सन्न रह गया। उन्हें जहरीला इंजेक्शन देने के बाद में वो उन्हें अपने फार्म हाउस में दफना देता था और दफनाने के लिए भी पहले वो JCP मंगवाता था। JCP वाले से कहता था कि मुझे यहाँ पर नारियल के पेड़ लगाने, लेकिन दरअसल वो नारियल के पेड़ लगाने से पहले उन महिलाओं की कब्र बनवाता था, जिंदा ही उनको उस कब्र में गाड़ देता था और उसके बाद में नारियल का पेड़ लगाता था जिससे किसी को कोई शक ना हो। एक खास बात और भी दोस्तों कि इस पूरे क्राइम को छिपाने के लिए डॉक्टर संतोष पाल ने एक और साजिश रची थी। वो साजिश कुछ इस तरीके की थी कि उसने अपने फार्म हाउस में एक पोल्ट्री फार्म भी खोल रखा था जिससे कि अगर डेड बॉडी की दुर्गंध हो तो आसपास पड़ोस के लोगों को किसी भी तरीके का शक ना हो, इसके लिए वो पोल्ट्री फार्म उसके लिए काफी मददगार बना। डॉक्टर जो था संतोष पाल, इसके पास में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की डिग्री थी, लेकिन ये अपने क्लिनिक में खुद को MBBS डॉक्टर बताता था। इस डॉक्टर ने अपनी इसी डिग्री की बदौलत तमाम सारे हॉस्पिटल्स में बहुत सारी सर्जरी करी, बहुत सारे लोगों पेशेंट्स का इलाज किया, जिससे वो हर एक तरीके के सर्जरी इक्विपमेंट से और इंजेक्शन दवाओं से वाकिफ था। इसी का फायदा उठा करके उस वो महिलाओं को अपना टारगेट करता था और उन्हें ऐसे इंजेक्शन देता था कि सारे फंक्शंस बॉडी के काम करना बंद कर देते थे, यानी कि अगर
किसी को इंजेक्शन दिया गया तो विद इन 5 to 10 seconds वो बंदा कोमा में चला जाता था। दोस्तों इस पूरे केस में फॉरेंसिक साइंस ने बेहद अहम भूमिका निभाई। दरअसल ये जानकारी हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीइंग ए ह्यूमन हम लोगों की बॉडी में कुछ माइक्रोब्स और बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि हमेशा जिंदा रहते हैं। जब इन महिलाओं का जो स्केलेटन है, कंकाल है, उनको बाहर निकाला गया तो उस आसपास की मिट्टी में वही माइक्रोब्स और बैक्टीरिया मिले और उनकी जो फॉरेंसिक साइंस के जरिए जांच पड़ताल हुई तो माइक्रोब्स और बैक्टीरिया सेम वैसे ही मिले जो कि इन विक्टिम्स की कपड़ों में मिले पाए गए थे। तो इससे मैच हो गया कि दरअसल मरने वाले लोग वही हैं जिनके स्केलेटन्स उस फार्म हाउस से बरामद किए गए। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को इस बात का पता लगा कि इन लोगों को इंजेक्शन देने का टाइम क्या था, इन लोगों को किस तरीके से मारा गया और तकरीबन जब वो कब्र में गाड़े गए, उस जमीन के गड्ढे में गाड़े गए तो वो समय क्या था। तो इसके आसपास का निर्धारण करके और उनकी मिसिंग कंप्लेंट्स की टाइमिंग को नोट करके जब पुलिस ने अपनी फाइंडिंग्स बनाई तो ये बिल्कुल बात क्लियर हो गई कि इन लोगों की हत्या के पीछे वही डॉक्टर संतोष पाल, जिसको डॉक्टर डेथ के नाम से भी जानते हैं, उसी का हाथ। दोस्तों पुलिस ने ये सारी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर संतोष पाल और उसकी असिस्टेंट ज्योति को आमने सामने बैठा कर करी थी। दोनों से जब पुलिस पूछताछ कर रही थी तो डॉक्टर संतोष पाल ने एक ऐसी बात का खुलासा किया जिसको सुनकर न सिर्फ ज्योति बल्कि वहां मौजूद पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम सन्न रह गई। दोस्तों चूंकि ज्योति डॉक्टर संतोष की राजदार थी तो उसने बताया डॉक्टर ने कि जब पुलिस ने ज्योति को पकड़ा तो उसने सोच लिया था कि समय मिलते ही वो ज्योति को भी मार देगा। ज्योति जो कि डॉक्टर की गर्लफ्रेंड भी थी, जिसे वो बेहद प्यार करता था, जब उसने ये बात सुनी तो वो फूट फूट कर रोने लगी और उसने डॉक्टर से यही कहा कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर संतोष पाल और ज्योति आज भी जेल में हैं, सजा का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो अहम बात है वो ये है कि आखिर डॉक्टर संतोष ऐसा करता क्यों था, वो क्यों भोली भाली महिलाओं को, लड़कियों को मार देता था और जिंदा ही कब्र में दफन कर देता था। इस बात की जानकारी ना तो पुलिस को है और डॉक्टर संतोष पाल ने भी बात नहीं कबूली कि आखिर वो ऐसा करता क्यों था। इसीलिए ये माना जाता है और पुलिस के कुछ सूत्र ये भी बताते हैं कि उसके इसी डॉक्टर संतोष पाल की इसी सब हरकतों की वजह से उसको सन की डॉक्टर कहा जाने लगा। डिपार्टमेंट में भी उसे सब लोग सन की डॉक्टर ही कहते थे और उसका नाम डॉक्टर डेथ कर दिया।